हम जो यह देख रहे हैं पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ही है। जिस अवस्था में हम हैं यह उसी का ज्ञान है। यदि हम जागृत में हैं तो जागृत का ज्ञान है, स्वप्न में तो यह ज्ञान बदल जाता है। फिर स्वप्न का ज्ञान भी ठहराव हो सकते नहीं, वह सुषुप्ति में अदृश्य हो जाता। यदि हम सुषुप्ति के ज्ञान को ही सत्य जाने तो यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप सुनना शुरू कर चुके हैं रामाश्रम भजन माला। आज का विषय है दया की देर नहीं। ये परमात्मा परम भागवत जी द्वारा लिखा गया एक प्रवचन है जो साधन पत्रिका के वर्ष 1998 में छपा था। आज ये वही शीर्षक है। हाँ, यह अवश्य है कि सामान्य ज्ञान वाला आत्मिक ज्ञान को नहीं जान सकता। जिसने विशेष ज्ञान जाना है वही इसको जान सकता है। सामान्य ज्ञान में पशु पक्षियों की गिनती होती है, तो मनुष्य ही इस आत्मज्ञान का अधिकारी है। परंतु मनुष्यों में भी देखा जाता है कि शास्त्रों में एक दो ही व्यक्ति इस ओर चलते हैं, बाकी चल नहीं पाते। क्या इसका कारण आपने जाना है? इसका कारण है कि जीवन पशु योनि त्याग अभी इस योनि में आया है। उसमें अभी पिछले पार्श्विक संस्कार भरे हुए, उसकी रहन सहन खान पान जानवरों का सा है। वह मनुष्य एक खूंखार भेड़िए के समान है जो न स्वयं चैन लेता है न दूसरों को शांति से रहने देता है। अभी कई जन्म जब वह मनुष्य शरीर धारण कर लेगा तब उसे मनुष्य से प्रीति होगी, उसके हृदय में दया और ज्ञान का संचार होगा। भगवान बुद्ध ने अपनी एक जातक कथा में बताया है कि मेरे बहुत से जन्म मनुष्य के हुए, तब तो मेरा इधर को रुक हुआ और फिर इस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए मुझे सैकड़ों जन्म लेने पड़े। उनमें लगभग 1,00,000 वर्ष व्यतीत हुए, तब आज मैं इस बोध को प्राप्त हुआ हूं। शास्त्रों में इसके लिए ऐसा लिखा है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही योनि पाता है। यदि उसके विचार निकृष्ट हैं और उस समय उसकी मृत्यु हुई तो नीची योनि में जाए। यदि किसी मनुष्य के विचार निकृष्ट हैं और उस समय उसकी मृत्यु हो तो वह निश्चित है कि वह नीचे की योनि में जाएगा, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और यदि अच्छे विचार रहे तो मनुष्य देही फिर से मिलेगी। परंतु यह तो सत्य है कि यदि मनुष्य ने अपना रुख जगत से हटाकर आत्मा की ओर कर लिया तो चाहे उसे जन्म सहस्त्रों लेने पड़े परंतु नीची योनियों में नहीं जाएगा। और एक दिन ज्ञान संचित करते करते पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होगा। शरीर को नष्ट होने पर यह ज्ञान नष्ट नहीं होता। जितना ज्ञान इस जन्म में हमने प्राप्त किया है वह ज्ञान के कोष शरीर में जमा हो जाता है।
और दूसरा शरीर मिलने पर इतना मौजूद रहता है। फिर जिसमें थोड़ा ज्ञान होगा वह स्वयं ही अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बस उसकी जिज्ञासा के अनुसार भगवान उसे उसी प्रकार के गुरु तथा साधन भी उपलब्ध कर देंगे। फिर तुम ऐसे गुरु को प्राप्त होते ही प्रसन्न हो जाओगे और आगे बढ़ जाओ। जीवन में यह क्रम चलता ही रहेगा। वह गुरु ईश्वर सा तुम्हें प्रतीत होगा। जहां तुम जन्म लोगे वहां वह भी मिलेगा और तुम्हें आगे बढ़ा देगा। ऐसा करते करते एक दिन पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर आत्मरूप हो जाओगे। इन सब के पढ़ने से और यह जानने से कि प्रभु की ओर मुख करने से फिर त्रियक योनियों में जाने से छुट्टी मिल जाती है। अवश्य इधर को देखोगे और साथ ही यह भी तीव्र इच्छा होगी कि कई जन्म फिर क्यों लें, एक इसी जन्म में क्यों ना उस ज्ञान को प्राप्त कर लें। उसके लिए क्यों ना हम जीवन में जी जान से प्रयास करें। जो जल्दी प्राप्त कर सकेंगे, संतों ने ऐसा लिखा है कि यह भी हो सकता है कि जो काम बहुत जन्मों में हो इसी जन्म में हो ही जाए, परंतु इसके लिए प्रथम तो जिज्ञासा प्रबल हो। संसार की जिन वस्तुओं में हमारा मन उलझा हुआ है उनसे वैराग्य हो जाए, विषय विष के समान हो जाए, जो दुख हमें सुख प्रतीत हो रहे हैं वास्तविक दुख भासने लगे। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मन से आगे प्राणों में जग जाए तो तुम अवश्य इसी जन्म में उसे पा सकते हो, क्योंकि परमात्मा दया के स्वरूप है। जिस दिन वह ऐसी दशा देखेंगे अवश्य कृपा करेंगे और वह स्वयं ही उपस्थित होकर अपना मार्ग बताएंगे। उसी समय तुम्हें गुरु में पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी और यह सब तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो अनायास हो रहा है। जब तुम्हारे प्राणों में उसे पाने के लिए तीव्र वेदना हो तो वह सघन नहीं कर सहन नहीं कर सकेंगे। देखा है कि जब पुत्र किसी दुख से पीड़ित होता है तो माँ की वेदना पुत्र से अधिक बलवती हो जाती है और वह तब तक शांत नहीं होती जब तक कि पुत्र अपने हंसते हुए मुख से यह नहीं कह देता कि माँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ऐसे ही बात उस जगत जननी की भी है। तुम यह मत समझो कि मैंने बड़े पाप किए हैं। तुम यह भी मत सोचो कि मैं मात्र ही हूं। अपने दुख का अनुभव करो और उनसे छूटने के लिए कातर प्राण से उस मां को पुकारो। वह दूर नहीं है, जहां तुम हो वहीं वह है। वह तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हें देख रही है। सामने इसलिए नहीं आती कि तुम्हारे खेल में कुछ रुकावट न पड़ जाए। तुम जिन वस्तुओं से खेल रहे हो मां और भी वैसी ही वस्तुएं तुम्हारे आगे डालती है। तुम जब चाहो इससे खेलो, परंतु यदि अब यह खेल तुम्हें नहीं भाता और माता के देखने की इच्छा जागृत हुई है तो देर नहीं होगी, तत्काल सामने आ जाएंगे। परंतु हृदय से कहो तो सही कि माँ अब यह खेल मुझे पसंद नहीं। इन सब झंझटों से
हटाकर मुझे अपनी शरण दो। बस इतना कहने की देर है, दया की देर नहीं। तो साथियों, यह था अपने परमात्मा परम भागवत जी का एक छोटा सा प्रवचन। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और जीवन में कुछ उन्नति अवश्य होगी। परमात्मा परम भागवत जी की अमृतवाणी सुनकर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आगे और भी वीडियो को देखें। धन्यवाद साहब।